ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, इस बावन शिवरात्रि है और बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है। नौ भाग्यशाली राशियों को देखिए, संतान प्राप्ति के, धन प्राप्ति के और पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। दोस्तों, अगर सभी राशि वाले देखिए संतान की इच्छा रखते हैं, जिनके अभी तक कोई संतान नहीं है, मन वांछित संतान की प्राप्ति के लिए अगर शिवरात्रि के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए भगवान शंकर की कृपा से आपको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो भी आपकी कामना है, चाहे संतान की है, पुत्र की है, तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखें। साथ ही दोस्तों देखिए, सावन मास से ही दिसंबर तक नौ भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ही श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के योग बने हुए। दोस्तों, उपाय को बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, शिवरात्रि की पूजा का जो महत्व है, देखिए सायंकाल का माना जाता है, तो आप 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं, इस पूजा को कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर सुबह के समय भी अगर आप भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो सायंकाल के समय भी स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप इस उपाय को अवश्य करें। दोस्तों, अगर जोड़े से यानी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इस उपाय को करें तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय देखिए अभिषेक माना जाता है, इसीलिए आपको पंचामृत से भगवान शंकर का जलाभिषेक करना है। पंचामृत बनाने के लिए आपको देखिए गाय का दूध और घी लेना है, अगर मिल जाए तो, नहीं तो आप कोई सा भी गाय का घी और दूध ले सकते हैं। दोस्तों, पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। और साथ ही दोस्तों, जिन बहनों के अभी तक कोई संतान नहीं है तो वो बांस के पत्ते या फिर हरी दुर्वा का थोड़ा सा रस निकाल कर भी पंचामृत में मिला सकती है। दोस्तों, साथ ही आपको देखिए 108 बेल पत्र लेने हैं। अगर आप 108 नहीं ले सकते तो जो स्त्री है जो मनवांछित संतान की कामना रखती हैं तो वो अपनी उम्र के हिसाब से भी बेलपत्र चढ़ा सकती हैं। दोस्तों, या तो आप अपनी उम्र के हिसाब से ले लें फिर, या फिर आप 108 की संख्या में बेलपत्र ले लें, उनको धोकर उनको सफ़ेद चंदन से आपको या तो ओम नमः शिवाय लिखना है या फिर आप श्री राम लिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए आप देखिए 3 या 5 अगर आपके पास गोमती चक्र है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप गर्भ गौरी रुद्राक्ष या फिर कोई भी रुद्राक्ष अगर चढ़ाकर धारण कर लेती है स्त्री तो शीघ्र ही उसको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। नहीं तो दोस्तों, अगर आप जैसे रुद्राक्ष नहीं चढ़ा सकते तो आप केवल मतलब गोमती चक्र भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर आपको संध्या के समय शिव मंदिर में जाना है और जोड़े से अगर पूजा करें तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, नहीं तो आप अकेले भी इस पूजा को कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपने पंचामृत बनाया है, देखिए आपको एक लोटा नहीं बनाना है, आपको अधिक मात्रा में बनाना है। आप 1 किलो से लेकर 7 किलो तक पंचामृत मतलब बना सकते हैं, या आप किसी भी बाल्टी में तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल पतली सी धार करते हुए आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए मतलब जलाभिषेक करना है। इस तरह से अभिषेक करने के बाद आप शुद्ध जल से अभिषेक करें और उसके बाद देखिए चंदन से तिलक करें, अक्षत लगाएं, कलावे से शिव पार्वती का गठबंधन करें। साथ ही दोस्तों, आप जो बेलपत्र ले गए हैं उनको एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार सारे बेलपत्र आपको अर्पित करने हैं। दोस्तों, आखिरी का जो बेलपत्र है उसको आपको अपने दोनों हाथों में रखना है और साथ ही थोड़े से अक्षत लेने हैं और 1 रुपये का सिक्का या जो 10 का सिक्का है तो 10 का सिक्का रख सकते हैं। उसको देखिए अपने सीधे हाथ में रखकर अपनी मनोकामना बोलकर, चाहे संतान की इच्छा रखते हैं या पुत्र की कामना रखते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। दोस्तों, और अगर आप गोमती चक्र ले गए हैं तो वो भी चढ़ा दें, अगर आप रुद्राक्ष ले गए हैं तो वो भी चढ़ा दें। दोस्तों, इस तरह से पूजन करें, अपनी मनोकामना बोले भगवान शंकर से और शिव पार्वती का पूजन करें। दोस्तों, उनकी आरती आप अगर कपूर से करें तो बहुत ही, नहीं तो आप किसी भी धूप दीप जलाकर भगवान शंकर की आरती कर सकते हैं। तो पूजा करने के बाद आपको दोस्तों एक बेलपत्र शिवलिंग से उठा लेना है, चाहे वो आपका चढ़ा हुआ या किसी दूसरे का चढ़ा हुआ भी है, तब भी अगर आपने गोमती चक्र भी चढ़ाए हैं तो आप उसमें से एक गोमती चक्र भी उठा लें। दोस्तों, अगर आपको शिवलिंग पर किसी का चढ़ा हुआ या आपने स्वयं भी चढ़ाया है रुद्राक्ष तो वो भी उठा लें। दोस्तों,
इन तीनों वस्तु को लेकर आप अपने घर आ जाएं और रात्रि के समय सोते समय जो स्त्री है अपनी नाभि पर अगर बेलपत्र को जिसके चिकनी साइड होता है उसको रखकर सोती है तो शीघ्र ही उसको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन दोस्तों उसको आपको देखिए जो बेलपत्र उसको फेंकना नहीं है, उसे अपने ही घर के किसी गमले में उसको दबा देना है। इस तरह से इस उपाय को करेंगे तो यकीन मानिए आपको शीघ्र ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों नौ भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों अगर सभी राशि वाले इस उपाय को करते हैं, शिवरात्रि के दिन इस अभिषेक को करते हैं, तो शीघ्र ही उनको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों देखिए नौ भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे मतलब संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, उनकी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि बाकी राशियों को संतान प्राप्ति के योग नहीं है, दोस्तों उनको योग हैं लेकिन उनके कम योग बने हुए हैं। जिनके ज़्यादा योग बने हुए होते हैं उन्हीं की हम जानकारी देते हैं। इन नौ भाग्यशाली राशियों में देखिए सबसे पहले है मेष राशि, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन। दोस्तों ये नौ भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको देखिए संतान प्राप्ति के साथ पुत्र प्राप्ति के भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, उसकी जानकारी दी है। साथ ही दोस्तों अगर आप शिवरात्रि के दिन इस अभिषेक को करते हैं तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य